हरियाणा कला परिषद को शुभकामनाएं हैं। हरियाणा में संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए खासतौर पर हरियाणा कला परिषद जो काम कर रही है उसकी चर्चा है काफ़ी। एक समय था जब हरियाणा के बारे में बाहर निकलते थे तो कहा जाता था वहाँ का कल्चर केवल एग्रीकल्चर है, लेकिन हरियाणा कला परिषद मेहनत कर रही है, लोगों तक दूर दूर तक ये संदेश पहुँचा रही है कि हरियाणा का मेहनतकश आदमी की जो संस्कृति है उसकी जो गहराइयाँ हैं वो सारे समाज के सामने, सारे देश के सामने, सारी दुनिया के सामने है। मेरी शुभकामनाएं हरियाणा कला परिषद के साथ। आज ये राष्ट्रीय सत्र में भी हरियाणा कला परिषद ने अच्छा। तो आज ये जो कार्यक्रम हरियाणा कला परिषद ने कराया है नैमिष संवाद के तहत कि मीडिया और सोशल मीडिया के लोग आपस में आमने सामने बैठे बात करें एक दूसरे से, इस तरह के सत्र होते रहने चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों तरफ से एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए। एक तरफा संवाद बड़ा खतरनाक होता है, आप दूसरे की भाव समझ नहीं पाते केवल अपनी अपनी बात कहते चलते हैं। तो इस तरह के मंच से कम दोनों तरफ संवाद होता है, आप उनकी बात सुनते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं और इससे एक बेहतर समाज का निर्माण करने में मदद मिलती है। बाकी हाँ ये अलग बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करने लग जाए वो गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल होने लगती है, तथ्यों से हट जाती हैं चीज़ें और फिर पर्सनल अटैक्स होने लगते हैं, वहाँ आके बुरा लगता है। लेकिन ऐसे में पूरे माध्यम को डिस्कार्ड कर देना ये तो कहीं भी जायज़ नहीं माना जाएगा, तो इसलिए मैं माध्यम को डिस्कार्ड नहीं करता, मैं ये मानता हूँ कि दोनों एक दूसरे की जुड़े हमेशा समाज जैसे कार्यक्रम जो है आपको लगता है परिवर्तन आएगा, जो मूल बात है संस्कृति भारतीय संस्कृति दर्शन कला की और जो साहित्य की वो बात लोगों तक पहुँचेगी? बिल्कुल पहुँचेगी, जब इस तरह के मंच बनते हैं उस पर लोग मिलते हैं, एक दूसरे से वैचारिक आदान प्रदान करते हैं, कुछ बातें करते हैं, उसमें खाते हैं, अगली बार कहाँ मिलेंगे, किस विषय पर बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे वो बदलाव की दिशा में एक कदम होता है और मैं मानता हूँ ये पहला कदम है। धन्यवाद।